मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत 26 जिलों में बुधवार को मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली एवं अचानक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के गति से चलने वाली हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी जारी किया है। इसके साथ ही टर्फ लाइन हिमालय की तलहटी में पहुंचने से दक्षिणी उप्र में संभावना है कि बारिश की गतिविधियां सीमित हो सकती हैं। ऐसा मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बुधवार को मौसम विभाग के ताजा अपडेट देते हुए बताया कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बाराबंकी, कन्नौज, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बरेली, पीलीभीत, रामपुर, अलीगढ़, बदायूं, बुलंदशहर, संभल, मुरादाबाद, औरैया, उन्नाव, कानपुर देहात, कासगंज, हाथरस, इटाह, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, इटावा और कानपुर नगर के आस पास जिलों में मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली एवं अचानक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। डॉक्टर पांडे ने बताया कि मैनपुरी, इटाह, एटा, कासगंज, उन्नाव, कन्नौज, हरदोई, फर्रुखाबाद, सीतापुर, शाहजहांपुर, बदायूं एवं उसके आसपास जिले में मौसम विभाग ने आज वर्षा होने का अलर्ट जारी किया है।